हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं या ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़्यादा जो है चिंतित हैं, वो इंसान आपको लेके क्या सोच रहा है, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के मन में उस इंसान के लिए क्या चल रहा है जिसके लिए वो सोच रहे हैं। ठीक है, सॉरी, जिसके लिए वो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सबके साथ भी मैच हो सकती है या कुछ मैसेज किसी के लिए, एक के लिए भी हो सकते हैं, सबके लिए भी हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए जिसके लिए मेरे व्यूवर्स जो हैं सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहा है और क्या चाहता है इस रिश्ते को लेकर। ओके, देख लो, फर्स्ट ही कार्ड यहाँ पे टू ऑफ कप्स का मिला है, जो ये बताता है कि कुदरत ने आपको मिलने के लिए मिलाया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आप किसी, जिसके लिए भी जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है, आप उसके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान ना चाहते हुए भी आपको 24 घंटे सोचता है। टू ऑफ कप्स, जो ये प्रेजेंट टाइम की जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है, टू ऑफ कप्स, ध्यान से देखिए इस कार्ड को कि एक एक दोनों इंसान जो है एक, मतलब अपनी फीलिंग्स आदान प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप काफी टाइम से इस चीज का वेट कर रहे हों कि कब ये इंसान अपने मुंह से कहे या कभी जो है उस चीज को माने, एडमिट करे कि ये पर्सन जो है आपके लिए इमोशंस रखता है। ठीक है, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा जिसके लिए आप सोचते हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। वो आपके लिए प्यार फील कर रहा है और बराबर का प्यार है दोनों तरफ। ठीक है, टू टू नंबर भी जो है चंद्रमा का होता है और चंद्रमा जो है हमारे इमोशंस का ही कारक होता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब ये है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का रिवर्स आना मतलब क्या है कि मे भी हो सकता है ये इंसान पास्ट में हार्श रहा हो या आपके लिए जो है एक, उसने एक मुंह पे जो है मुखौटा सा पहन रखा हो, या जब भी आपसे बात होती हो तो ये इंसान बड़ा ऐसे आपको शो करता हो जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ब्लंट आपको बोल देता हो, बड़ा जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरह जो है ये आपको जवाब दे देता हो या आपको कुछ गलत सलत भी बोल देता हो या देती हो। ठीक है, क्योंकि देखो इमोशंस तो उस टाइम भी थे लेकिन जो है, प्लीज डिवाइन और कार्ड निकालते हैं फिर देखते हैं जिसके लिए मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहा है। देखिए नेक्स्ट कार्ड, आज ये क्विक एनर्जी अपडेट है कि करंटली आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है जिसके लिए आप सोच रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, देखिए ये इंसान जो है शायद इसने आपका रवैया जो है ना चेंज हुआ नोट किया है, इसको लग रहा है कि अब आप वो पहले वाले इंसान नहीं है, इसलिए ये आपको स्टॉक कर रहा है, ये आप पे नजर बनाए हुए है और बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा है आपको जानने के लिए। अगर मैं करंट एनर्जी अपडेट देखूं, अगर मैं इस इंसान का सोचूं कि ये आपके लिए क्या सोच रहा है, ये आपके लिए सोच रहा है कि आप कितने इस रिश्ते में गिविंग थे, आपने जो है जहां तक जितना हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो रखा, मतलब कहने का मतलब एक बहुत गिविंग रहे आप इस कनेक्शन में। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया है? जिनके लिए मेरे व्यूवर सोच रहे हैं वो क्या सोच रहा है, इनके लिए सोच रहा है या सोच रही है डेथ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी रिवर्स आया था, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी रिवर्स आया, तो मे भी आपके पार्टनर को इन इस टाइम के दौरान ये लगता है कि आप जो हो, चाहे आप इस इंसान के लिए कितने भी इमोशंस रखती हैं या रखते हैं, लेकिन अब जो है, अब जो ये टाइम चल रहा है इसमें आपने ना तो अपना गुस्सा जो है आप शो कर रही हैं ना अपना प्यार शो कर रही हैं, मतलब एक न्यूट्रल फेस जो है आपने इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स ने अपना रखा है,
जिससे जो है ये आपका सोलमेट सोचने पे मजबूर हो रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, आपकी जो जो आपने इस रिश्ते में गिविंग नेचर रखा है उसको बार बार जो है उस पुरानी यादों को सोच रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहा है कि कैसे इस जो आपके अंदर एक आपके इस रिश्ते के अंदर एक दूरी सी आ गई है उसको कैसे खत्म करे, बर्डन हो रहा है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए क्विक एनर्जी अपडेट में कि जिनके लिए मेरे व्यूअर सोच रहे हैं वो इंसान इनके लिए क्या सोच रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि मे बी जो ये कनेक्शन है, अगर ये कनेक्शन पास्ट में किसी ना किसी वजह से सफर किया है, चाहे वो आपकी तरफ से या आपके पापा, आप कहेंगे आपका आपकी तरफ से कह देते हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं होता, वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है। यहाँ पे अगर 6000 लोग या 7000 लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो सबका एक सिनेरियो तो नहीं हो सकता, तब मैं कहती हूँ कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है जो मैं बोल रही हूँ, मतलब एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है। क्योंकि कई बार मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो उसमें ये चीज़ें मैं नोट करती हूँ, कई बार मैं मेरा क्या तरीका है, पहले मैं कार्ड निकालती हूँ उस बंदे का नाम लेके, उसका फोटोग्राफ देख के, और फिर मैं उसको बताती हूँ कार्ड से जो मुझे दिखा है, फिर मैं उससे पूछती हूँ कि अब आप क्या पूछना चाहते हैं और आपकी क्या स्थिति है, ठीक है। तो तब मैं आपको ये चीज बोलती हूँ कि एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। इसमें आप कंफ्यूज ना होके ये सोचे कि मैम, क्योंकि आपको तो अपनी स्थिति पता है, मुझे तो आपकी स्थिति नहीं पता ना, मैं तो एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप दूसरी गलत साइड मत लेके जाया करें, चीजों को समझा करें, बच्चे नहीं आप। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये इंसान चाहे इसने एक चुप्पी सी शादी हुई है, लेकिन ये आपके लिए इन दिनों बहुत ज्यादा जो है एक केयरिंग जो कनेक्शन है ना, वो इस कनेक्शन को समझ रहा है कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग केयरिंग है इसको लेकर, ठीक है। और ये भी जो मैं एक स्पेशल जो यहाँ पे एनर्जी जो एक शिफ्ट होती नजर आ रही है मुझे, कि अब ये इंसान भी आपको लेकर काफी कंसर्न हो रहा है, जैसे जैसे होता है ना कि आप जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हम उनको लेके ज्यादा कंसर्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इंसान आपके आपके साथ खुद को जुड़ा हुआ सा महसूस करता है, ठीक है, आपको जस्टिस देना चाहता है। आपके साथ कुछ भी अगर इसका जाने अनजाने में कुछ ऐसा इसने किया है कि आप हर्ट हुए हैं, तो ये उन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है कि इससे क्या वो गलतियां हुई हैं जिसके कारण आप पास्ट में दुखी हुए, डिस्टर्ब हुए, और अब वो जो है उसको रिपीट ना करे। लेकिन फिर भी एक अनचाहा डर इस इंसान के अंदर है, बर्डन है कि कहीं आप जो है, मतलब आप एक पहेली सी बने हुए हैं इन दिनों इसके लिए। न्यू बिगिनिंग चाहता है ये इंसान, चाहे पास्ट कैसा भी रहा है, देखिए अब ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। यहाँ पे कार्ड आया हमारे पास फाइव ऑफ सॉर्ड, भगवान जी फाइव ऑफ सॉर्ड किसके लिए आया प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए मैंने जैसे पहले बोला कि ये आपको स्टॉक कर रहा है, मे बी इसको कई बार ये लगता है कि शायद जो पास्ट में इसने आपके साथ किया है कहीं आप फिर आप भी इसके साथ ये ना कर रहे हो, उसको कोई धोखा दे रहे हो या कोई फरेब कर रहे हो, या आप इसको दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और है, इस टाइप की एनर्जी आपको बड़ा मिस्टीरियस पा रहा है, वो इनसिक्योरिटी हो रही है, इसीलिए आपको स्टॉप कर रहा है, ठीक है जी। क्योंकि आपके लिए इमोशंस, जैसे होता है ना कि जो चीज़ें हमें अपनी लगती है हम उसको खोने से डरते हैं, तो वो वाला सिनेरियो जो है मुझे नज़र आ रहा है। आपको वाइफ मटेरियल की तरह देखता है, आप में इसको कोई कमी नजर नहीं आती, इसको ये लगता है कि आप बहुत अबंडेंट है, आपके पास सब कुछ है, मतलब ये अगर आपको देना चाहे तो क्या दे, क्योंकि आपके इस आपको इसको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ठीक है जी। द मून का कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी से ज्यादा ना मुझे ये द मून का कार्ड एक डिले को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि पहले से ही इस रिश्ते में ना बहुत सा टाइम हो सकता है, वेट बहुत वेट किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको लगता है कि द मून, मतलब इसको लगता है कि इस रिश्ते पे हमेशा से एक, मतलब एक अनफॉर्चून जैसे कहते हैं ना, उसके बादल जो है हमेशा मंडराते रहते हैं। ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहता है जो मैंने पहले ही बता दिया, और फिर अगेन फूल का कार्ड है, मतलब
अब जो है ये इंसान एक स्ट्रेंथ अपने अंदर लाके एक डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फूल का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए, फूल का कार्ड क्यों आया है, फूल का कार्ड क्यों आया है। दो कार्ड आए, मैं दोनों को ही ले लूंगी। ओके, देखिए फूल का कार्ड यहाँ पे ये आया है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इसको इनसिक्योरिटी हो रही है कि हो सकता है पास्ट में अगर इसने आपको एक कोल्ड शोल्डर दिखाया या लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ दिया या आपको बिना बताए आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, ऐसा कुछ भी अगर इसके द्वारा हुआ है तो अब इसको डर लग रहा है, क्योंकि अब आपको एक विनर की तरह ये देख रहा है। तो इसको लग रहा है आपको स्टार की तरह, मे बी आप ऐसा कुछ काम करते हो, हाईलाइट होते हो, आपको इस तरह की एनर्जी में देख रहा है कि इसको फियर हो रहा है, तभी आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने जो है इसकी तरफ ऐसा एक मोड रखा है अभी जो है इस टाइम के दौरान कि ना तो आप इसको अपना गुस्सा ही जाहिर कर रहे हैं ना प्यार जाहिर कर रहे हैं, ना न्यूट्रल हुए हुए हैं आप, ना तो आप इसके लिए एक पहेली से बने हुए। चाहता तो दिल से ही आपको क्लैरिटी देना है, आपके साथ जस्टिस करना है, लेकिन फियर हो रहा है कहीं आप इसको मौका देंगे या आप इस देरी से या इस डिले से आप जो है, आपने तो नहीं इसको थर्ड पार्टी में डाल दिया। तो इस तरह की जो है जो ये मुझे क्विक अपडेट मिली है करंट एनर्जी की आपके पार्टनर की, देख लीजिए 10 ऑफ सॉर्ड। मे बी हो सकता है करियर में या घर में इसके या किसी फैमिली मेंबर के द्वारा इस इंसान को कुछ ऐसा कहा गया है, इसको लगता है कि इसके साथ जो है एक बैक स्टैब हुआ है, किसी ने इसको इसके साथ धोखा किया है, या ये इसके करियर में भी हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ बीमार हैं, ठीक है, इन दिनों, और बहुत ज़्यादा जो है एक उनकी लाइफ में एक अलग सा जो है पार्टनर की लाइफ में एक कोहराम सा मचा हुआ है। मतलब उनकी जो एक मॉनेटरी कंडीशन तो नहीं मैं कहूँगी, मतलब आसपास का माहौल उनकी फैमिली का, वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स या इस टाइप का कुछ जो है मुझे नज़र आ रहा है क्विक अपडेट्स में। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन देख लीजिए, ये इंसान जो है पैशनेट होकर आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, काफ़ी फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है इसको, ठीक है, तो कुछ ऐसा प्लान बना रहा है। चैरियट का कार्ड हमें पहले मिला था कि ये आपसे मिल सके, क्योंकि आपके बिना उदास है, ठीक है, स्टक है, बैलेंस चाहता है। मैंने कहा ना ये डिवाइन कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, चीज़ों को बदलना चाहता है, और चाहता है कि अगर इस रिश्ते में कुछ इम्पॉसिबल भी है, अगर ऐसा भी कुछ लग रहा है कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, तो उनको भी चेंज करना चाहता है। ठीक है व्यूअर्स, ओके, ऑल द बेस्ट। ये थी आप लोगों की क्विक अपडेट करंट एनर्जी, ठीक है, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।